हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ धनंजय। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। मॉर्गन स्टैनली यूएसए की एक बहुत बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी है, इन्वेस्टमेंट बैंक है। इन्होंने भारत की इकोनॉमी के बारे में एक शब्द का इस्तेमाल किया, वो शब्द है ओवरवेट। हम समझेंगे कि किन परिस्थितियों में जो कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होते हैं वो किसी इकॉनमी के बारे में ओवरवेट शब्द का इस्तेमाल कब करते हैं और क्यों करते हैं। और जैसे ही मॉर्गन स्टैनली ने इस शब्द का इस्तेमाल किया, जैसे ही वो अपने प्रेस ब्रीफिंग में जब ये रिपोर्ट पब्लिश की गई, वैसे ही ना कि भारत में बल्कि पूरे देश की जो मीडिया हाउसेस थी उन सभी ने इस न्यूज़ को पब्लिश किया। ये रॉयटर्स का आप देख सकते हैं। इसका मतलब क्या होता है? बीते कुछ सालों में आई एम श्योर कि आप लोगों ने भी ये नोटिस किया होगा, जहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया काफ़ी फोकस्ड है मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के लिए। ये क्या है? तो ये एक इनिशिएटिव है जहाँ पे बाहर से जो कंपनीज होते हैं उनको भारत में बुलाया जाता है इन्वेस्टमेंट करने के लिए, मैन्युफैक्चर करने के लिए। बस साथ में शर्त ये होता है कि उनको इंडिया के किसी भी कंपनी के साथ उनको कोलैबोरेट करना होता है। जब मैं किसी भी कंपनी कह रहा हूँ तो यहाँ पे सपोज दैट अगर कोई इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी अगर इंटरेस्टेड है भारत में इलेक्ट्रिक व्हीकल के मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को सेटअप करने के लिए, तो इंडिया में आके उनको किसी इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के साथ उनको कोलैबोरेट करना पड़ेगा। इसके फायदे ये होते हैं कि एक तो जो हमारे इंडियन कंपनी रहेंगे उनको भी इनके साथ काम करने का एक एक्सपीरियंस गेन हो जाएगा, और दूसरी बात क्या होगा कि हम आहिस्ता आहिस्ता स्लोली एंड ग्रेजुअली हम सेल्फ इंडिपेंडेंट की तरफ हम बढ़ते रहेंगे। तो जब किसी डेमोक्रेटिक कंट्री की जब इकॉनमी जब ग्रोथ करती है तो उसमें मल्टीपल रीजंस होते हैं, उसके मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं। एक तो होता है आपका लीडरशिप, दूसरा होता है पॉलिसी, और शायद उससे भी कहीं ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। तो इंडिया में बाई गॉड ग्रेस इन सभी चीज़ों का प्रेजेंस अभी दिख रहा है। तो इन सब चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए मॉर्गन स्टैनली ने भारत की इकॉनमी के बारे में कहा कि ये ओवरवेट इकॉनमी है, और साथ में मॉर्गन स्टैनली ने ये भी कहा कि जिस तरीके से इंडियन इकॉनमी ग्रो कर रही है ये एक लॉन्ग टर्म ग्रो है। मतलब ऐसा नहीं है कि ये जो ग्रोथ है भारत की इकॉनमी का ये शॉर्ट टर्म ग्रोथ है, और उनके हिसाब से इंडिया का जो ग्रोथ है वो चाइना से कहीं ज़्यादा है। हालांकि मैं एक बात बता दूं कि इंडिया की इकॉनमी और चाइना की इकॉनमी में कंपैरिजन नहीं किया जा सकता है फिलहाल, और वैसे भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गवर्नमेंट ऑफ चाइना के बीच में पर्सनली मेरा ऐसा व्यक्तिगत मानना है कि आप कंपैरिजन नहीं कर सकते हैं। चाइना एक कम्युनिस्ट कंट्री है, वहाँ पे अगर गवर्नमेंट ऑफ चाइना को अगर किसी के ज़मीन को चाहिए होगा तो वो रातों रात उस ज़मीन को ले लेंगे। उसके दूसरे तरफ अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को अगर कोई ज़मीन चाहिए होगा तो उसके लिए प्रॉपर कॉम्पनसेशन होता है। तो सपोज दैट अगर चाइना में अगर किसी प्लांट को सेटअप करना है तो वो रातों रात गवर्नमेंट ऑफ चाइना वो फैसला कर लेती है कि उनको वो प्लॉट चाहिए, और वो प्लॉट को वो डिजायर्ड पार्टी को दे देते हैं या बेच देते हैं। ठीक उसके विपरीत क्या होता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को अगर कोई प्लॉट चाहिए होगा तो वो उसके लिए प्रॉपर कॉम्पनसेशन प्रोवाइड करेंगे, और कितनी बार ऐसा भी होता है कि जिनका जिस भी आदमी का वो प्लॉट बिलोंग करता है वो उसको बेचना नहीं चाहते। तो इन सब चीज़ों में काफ़ी एक लंबा वक्त लगता है, और उसके बाद जो हमारा इकोनॉमी का स्ट्रेंथ है वो कुछ 3 पॉइंट समथिंग ट्रिलियन है, और जो चाइना की है वो चाइना की कुछ 17 पॉइंट ट्रिलियन के आसपास में। हालांकि मैं ये बताना चाहता हूँ कहीं से भी जो भारत है वो चाइना से कम नहीं है, लेकिन फिर भी हमें अननेसेसरी कंपैरिजन करने से बचना चाहिए। जिस तरीके से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कुछ सालों में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को देश में बुलाया है, जिस तरीके से टेस्ला जैसी बड़ी कंपनी हो गया जो भारत में काफ़ी इंटरेस्टेड है अपने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को, इलेक्ट्रिक व्हीकल के मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को सेटअप करने के लिए, इनका जो विचार है वो ये है कि ये कुछ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को जो इंडिया में जो मैन्युफैक्चर करेंगे वो कुछ डोमेस्टिक पर्पज़ के लिए भी रहेगा, और कुछ हाई एंड गाड़ियों को भी ये एक्सपोर्ट पर्पज़ के लिए ये सप्लाई करेंगे। मॉर्गन स्टैनली के जो रैंकिंग का लिस्ट है उसमें भारत ने जापान को रिप्लेस किया। अभी भारत का जो रैंक है मॉर्गन स्टैनली के हिसाब से वो 5th है, यानी कि इंडिया 5th रैंक में आता है इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, इन टर्म्स ऑफ बेस्ट इन्वेस्टमेंट कंट्री। अब सवाल है कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो भारत की जो पॉपुलेशन है उसको देख के वो काफ़ी हंसते हैं या काफ़ी मजाक उड़ाते हैं, तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि जापान एक बहुत ही डेवलप्ड कंट्री है, या यूँ कह लें कि वो काफ़ी हाईली डेवलप्ड कंट्री है, लेकिन इनके साथ इशू क्या है कि इनका जो लैंड है, इनका जो ज़मीन है वो काफ़ी सीमित है। वहीं दूसरी तरफ अगर आप इंडिया का ज्योग्राफिकल लोकेशन देखें और जो हमारे पास ज़मीन है वो हमारे पास काफ़ी पर्याप्त है। दूसरी तरफ जो इंडिया में जो पॉपुलेशन है वो राइजिंग पॉपुलेशन है। बेशक हम दुनिया के सबसे पॉपुलेटेड देशों में हैं, लेकिन हमारा जो पॉपुलेशन है वो पॉपुलेशन आपके जापान के पॉपुलेशन के कंपेरिजन पर एज नहीं है। कहने का मतलब है कि जापान में इतना डेवलपमेंट ऑलरेडी हो चुका है कि यहाँ पे जो लिविंग एक्सपेंसेस है वो काफ़ी हाई हो चुके हैं। तो
यहाँ के जो कॉमन लोग हैं वो अब शादी नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि वो शादी नहीं करना चाहते हैं इसलिए जो इनका नेक्स्ट जनरेशन है वो नहीं आ पा रहा है। उसके ठीक विपरीत में भारत में है कि हमारे पास पॉपुलेशन काफ़ी अच्छा है, हमारे पास एक काफ़ी यंग ब्रिगेड है, एक यंग वर्क फोर्स है। तो जब कोई कंपनी जब इन्वेस्टमेंट करती है आपके देश में तो वो हर चीज़ को अपने ध्यान में रखती है, तब जाके वो इन्वेस्टमेंट करती है। और ऐसा मॉर्गन स्टैनली का मानना है कि इंडिया की जो ग्रोथ, जो जीडीपी ग्रोथ रहने वाली है वो 6.5 रहने वाली है, वहीं दूसरी तरफ जो चाइना की जो ग्रोथ रहने वाली है वो 3.9% के आसपास रहने वाली है। जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि हमें चाइना के साथ कंपैरिजन नहीं करना है, क्योंकि जो चाइना का जो डीएनए है और जो भारत का डीएनए है इसमें दोनों में कोई मैच नहीं है, तो हमें अननेसेसरी का हमें जो कंपैरिजन है उसे करने से हमें बचना चाहिए। आई होप कि मैं आप लोगों को इस वीडियो में कुछ समझा पाया हूँ। अगर फिर भी अगर मुझसे कहीं कोई कमी रह गई तो मैं चाहूँगा कि आप उसे ईमेल करके मुझे बताएं। इफ़ यू लाइक द वीडियो लाइक फॉलो एंड सब्सक्राइब द चैनल। इफ़ यू हैव एनी सजेशंस यू कैन ऑलवेज ईमेल मी। See you in the next video. Have a wonderful day. Thank you. Goodbye. Take care.